इस तेज भागती जिंदगी में अधिकतर लोग अपने घुटने और पैर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, जिस वजह से लोग अपना उपचार कराने के लिए अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आप भी अपने घुटने व पैर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो आप अपने घर बैठे भी घुटने और पैर दर्द की समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, क्योंकि योग करने से कई रोग दूर होते हैं, जिसमें घुटने और पैर दर्द के सरल आसन करने से आपका दर्द गायब हो सकता है। इसको लेकर लोकल 18 की टीम ने अल्मोड़ा के योग निलयम संस्थान में जाकर यहाँ के योग ट्रेनर अमितेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया, आजकल की दौड़ भाग जिंदगी में अधिकतर लोग अपने घुटने और पैर दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। घुटने और पैर दर्द के ऐसे कौन से सरल आसन हैं, आइए हम आपको उसके बारे में दिखाते और बताते हैं। कि आपने बताया कि पैरों के दर्द आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घुटना दर्द, पैरों के दर्द, ये छोटी सी उम्र से ही बढ़ने लग जा रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न है कि आजकल की लाइफस्टाइल, या तो आजकल का खाना पीना या फिर रहन सहन। ठीक है, तो मेन रीज़न हम देखते हैं कि अगर पैर दर्द जो है, पैर दर्द के लिए हम किस तरह से हमारा उठना बैठना किस तरीके का है, या तो बहुत लंबे समय तक खड़े रहना, या बहुत ज़्यादा चलना, या फिर बैठे बैठे की जॉब है, सिटेड जॉब आजकल ज़्यादातर चल रही है, तो उसकी वजह से पैरों में दर्द, वेरिकस वेन्स की दिक्कत और अन्य भी बहुत सारे पैरों की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कुछ सरल से योगाभ्यास हैं जो कि सभी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आसन कहेंगे या फिर सूक्ष्म व्यायाम कहेंगे, जिससे कि हर एज के लोग कर सकते हैं, चाहे उन्हें कितने भी पैर में दर्द हो रही हो। तो सबसे पहले हम कहते हैं गुल्फ नमन, यानी हमें अपने पैरों को सीधा करके बैठना होता है, कमर सीधी करते हुए, और अपने पंजों को पीछे की ओर और आगे की ओर स्ट्रेच करना है, जिससे आपके पैरों की मसल्स स्ट्रेच होंगी, वेन्स स्ट्रेच होंगी, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और पैरों में दर्द सही हो सकता है। उसी के बाद उसी का सेकंड वेरिएशन हम गुल्फ चक्र करेंगे, अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, और उसके बाद ही हम कहेंगे जैसे घुटना चालन, अपने घुटने को पकड़कर आपको सांस के साथ ऊपर की ओर और सांस के साथ नीचे की ओर चलाना होता है, जिससे आपके घुटने पर मूवमेंट प्रॉपरली होती है। और उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम आते हैं कुछ सरल से आसनों पर, जैसे कि रहा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम क्या करते हैं कि हम खड़े होकर अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपने पैरों को अपने 1 फीट के फासले पर फैलाते हैं, दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर फैलाएंगे, और उसके बाद धीरे से हम दाहिनी ओर झुकते हैं, अपने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं पंजे की ओर रखते हैं ज़मीन पर, और दूसरा हाथ हमारे ऊपर की ओर रहता है। तो इसी प्रकार इसको दूसरी तरफ भी करेंगे, जिससे आपके पैरों पर अच्छा खासा स्ट्रेच होगा, हैमस्ट्रिंग मसल, काप मसल स्ट्रेच होगी। तो इस बाद रहा गरुड़ासन, अगर दूसरा आसन बात करें तो गरुड़ासन पर भी इसी तरह हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, काप मसल और पैरों पर मजबूती आती है। तो गरुड़ासन को करने के लिए अपने पूरा बॉडी वेट दाहिनी पैर पर लाएंगे, उसके बाद अपने बाएं पैर को घुमाते हुए अपने दाएं पैर पर लपेटेंगे, और उसी प्रकार जो हाथ, जो पैर गया हुआ है, यानी बायां पैर गया हुआ है, तो उसी प्रकार बायां हाथ ऊपर से जाते हुए हम गरुड़ के समान मुद्रा बनाएंगे। और इसके बाद तीसरा आसन है तितली आसन या भद्रासन, हम किस इसे कहते हैं, बटरफ्लाई पोज भी हम इसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को, दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर अपने गुदा मार्ग की ओर स्ट्रेच करते हैं, और अपने कमर को सीधी करते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को चलाने का प्रयास करते हैं। इससे हमने पहले बात करी सूक्ष्म व्यायाम की, सूक्ष्म व्यायाम में गुल्फ चक्र, गुल्फ नमन और घुटना चालन का, इससे हम किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति कर सकते हैं, जब आपको दर्द हो रहा हो आप तब भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। पर जो आसन हमने बताए, त्रिकोणासन, भद्रासन, गरुड़ासन, इनका अभ्यास जब आपको दर्द हो रहा हो तब इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बाकी समय आप कर सकते हैं। अगर आप भी नियमित तौर से इन योग के आसनों को रोजाना करते हैं तो आप अपने घुटने और पैर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।